मणि असुर वगैरह और ये सारे उसकी गैंग इंसान में कमी होती है, मेरे में कोई कमी नहीं है। बस बैंक लूट लेंगे आज आपका, दिल्ली में राज करने वाला हूँ। ओए यार अंकिता मूड खराब हो रहा है यार, क्या करे, खराब नहीं हो रहा, ऑफ है। सो भाई 4-5 दिन बाद अपना फेस्ट है, उसके बाद निकलेंगे। हाँ बाजी कर रहा था, लड़की खरीदी थी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी जा रहे हैं हम सरोजिनी नगर, एक दोस्त की शॉपिंग करवानी है, वहाँ पे जा रहे हैं। मेरे को 1.5 घंटे में जिम निकलना है, तो मेरे को जल्दी टाइम से छोड़ दोगे ना भाई? हाँ। और वो दोस्त बता दो है कैसा वो है? अबे वो कंचे खेले आप सबने, जो एक होता था गाजर का कंचा काला, जो काला वाला एंटे वाला साउथ की मूवी का हीरो नहीं होते, हीरो या विलन जो भी मान लो, तो दोनों ही काले होते हैं। वो तो लगा देंगे, उसके साथ अभी आएगा, अभी आने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं। फिर जा रहे हैं हम सरोजिनी नगर, उसको शॉपिंग करनी है क्योंकि वो भी पैंट लेगा, स्लिम फिट भाई। अगर किसी को गद्दार, दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार से मिलना हो तो इससे मिल लेना। इसने फोन करा मेरे को, फोन करके बोला क्या बोला, स्कूटी की चाबी फेंक, मैं एक बार आ रहा हूँ। मतलब मैंने ये नहीं बोला, देखो सीधा बोला कि एसएन जा रहा हूँ। मेरा काम होता तो मैं तभी तो बोलूंगा ना। अरे तो भाई मेरी स्कूटी लेके जा रहा है, मुझे ही नहीं बुला रहा है। मैं भगवान कसम, मेरे को लगा तू जिम जाएगा 8 बजे। तो जिम तो अभी भी जाऊंगा। तो 8 बजे आप, तूने बताया ना 9 बजे जाएगा। 8:30 बजे डेली जाता हूँ हमेशा, 8 बजे बोला, 8:30 बजे डेली जिम जाता हूँ। चूतिया बना रहा है, अब तू बोल ले कोई बात नहीं भाई। अभी आ रहे दोनों बंदे, उसके बाद चलते हैं हम सरोजिनी नगर, वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग वही लोग करेंगे, मैं तो कुछ करूंगा नहीं। ओए कोई ले जाए फोन, स्नैचर चाटे नहीं लगेंगे उसमें, कोई नहीं जाएगा। अभी जेब में डाल लेता हूँ स्नैचर की जगह। घंटा स्नैचर भाई, फ्राइडे मार्केट को जो मिल रहा है दुकान, छोले भटूरे की 30 रुपए में दो, वही टेस्टी वाले भटूरे लग रहे थे। मैं खा ले हैं, मैं नहीं खाऊंगा, थोड़े से चख लेते हैं। मेरे खांसी भी हो रही है। अबे एक भटूरा लेंगे, आधा आधा खा लेंगे, खांसी हो रही है। यही चीज मैं देखना चाह रहा था, डेडिकेटेड है भाई, देख लो, यही चीज मैं चेक कर रहा था। साले मैं तो फुल डेडिकेटेड हूँ, मैं पिघल भी नहीं सकता, अगर मैं पिघल गया ना तो मेरी जिम की फीस वेस्ट चल जाएगी और मम्मी बहुत मारेगी। छोले भटूरे नहीं खाने। ए इधर आ, अबे अबे साउथ इंडियन हीरो इधर तो आ। विजय देवरकोंडा, ये है विजय देवरकोंडा, इसको लेने कपड़े। चुतिया बांध के कौन सा तू शाहरुख खान बन जाएगा आए, रात में भी नहीं दिख रहा। फ्लैश जलाने के बाद में चलो चल, हाँ पकड़ी जाए तो हमारी पकड़ी जाए पहले, है ना? अरे मतलब पकड़ी जाए तो हमारी पहले। तुम आगे रहो, तुम आगे रहो, हम नहीं जा रहे। मेरा चलान कट रखा है, तुम आगे रहो, मेरा पूरी कट रखी है भाई। दिखते ही बंद हो जाएगी हमारी तो, ये बैठा है ना मर्डरर। इसको यहाँ मजा आवे, पता क्या निकल जाए मुझसे। अरे सब अलाउड है हमारे ब्लॉग, अरे हमारे में सब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्लैक दिखा दो जचेगा। सुनो सुनो, इसके अंदर ले जा, वो भी अलाउड है। हाय ये कैमरा देख के भगता है भाई, टेंट निकाल दिया भाई, टेंट निकाल दिया विष्णु के लिए, ले विष्णु ये देख तेरा भाई मिल गया, ले ले भाई, गरीब भाई चल लिया अभी। भाई दोस्त यारी का लास्ट उसूल है, जिसकी एक की शॉपिंग कराने जिसकी लाते हैं वो हमें खिलाता पिलाता है। अबे छोड़ेगा मेरे पे क्यों गिर रहा है? तो मुन्ना फिर क्या खिला रहा है? मैं तो खाऊंगा नहीं, मेरे को जूस पिला दे। अरे भाई लुगाई हुआ छोड़, अभी मेन बात होता, जूस पिला रहा है ना भाई। हमारा उसूल है जो शॉपिंग करता है या जो लेकर आता है वो कुछ खिलाता है पिलाता है, और क्या, जूस पिला, जूस मिलाएगा, जूस मोहम्मद भाई, ये सब जो खा ही नहीं सकता। हट जाओ भाई, सारे हट जाओ, सब हट जाओ, रास्ता दो भाई एम्बुलेंस को, ऐसे आप भी कर सकते हो। तू मार, तू मरवाएगा, मैं तो सही बता रहा हूँ, बीच बीच में काहे को घुसेड़ रहा, आराम से लेना, आराम से आराम से, घंटा है विष्णु मत कर बैठे, जो भी हो भगवान इसकी हेल्प करना, जय श्री राम। लिखा 17 से 25 तक के बीच का एज आपकी तय करती है कि आप जिंदगी में क्या करोगे। हाँ तो अभी क्या पता चला, मुझे क्या पता, अभी हम क्या कर रहे हैं, वेला गिरी, तो फिर हम क्या करेंगे, वेला गिरी। अबे हम आने वाले 10 के वो है बेताज बादशाह इस इंडस्ट्री के,
लोगों को लगता है कि हम लोग वेल्लागिरी कर रहे हैं, नहीं बट हम एक्चुअल में वेल्लागिरी कर रहे हैं। वही पूरी प्रॉपर वाली जिम जाना चाहिए टाइम के मुताबिक, जाम में फंसे पड़े हैं एक इस सुअर की वजह से, सरोज नहीं घूम रहे क्योंकि मेरी ईगो हिट हो गई थी और मेरी ईगो मुझे ही मरवा देती है बार बार, इसलिए बोलते हैं ईगो मत रखा करो भाई, डबल ईगो रखा करो, डबल ईगो रखा करो, क्योंकि साथ दुनिया कलयुग चल रहा है, कलयुग में बड़े आरामी बंदे तो उन्हें उसी की तरह जीना पड़ेगा, अगर सतयुग की तरह जियोगे तो चलान कटवा देगा और कुछ नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अगले दिन में उसी व्लॉग में। तो भाई कल जिम वगैरह करके मैं घर आ गया था और रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया क्योंकि स्टोरेज ही नहीं थी और दो दिन तो मैंने रेगुलर व्लॉग डाल दिया, मैं सोचा चुपचाप से डेली व्लॉगिंग कर लूंगा बिना बताए, पर नहीं हो पा रही क्योंकि भाई स्टोरेज भर जा। ये फ़ोन करने वाले अगर फ़ोन ना कर रहे तो मैं आराम से व्लॉग कर लूँ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया स्टोरेज भर जा रही, जब तक पिछला व्लॉग डालूंगा नहीं तब तक अगला व्लॉग शूट नहीं कर सकता, इसलिए कल व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। शॉपिंग करा गया, मैं जिम वगैरह सब गया था भाई, झूठ नहीं बोला, जिम भी गया अपना, घर आया खाया पिया सो गया, पर रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाया। आज देखते हैं आज रिकॉर्ड करूँगा क्या करते हैं क्या नहीं। सो गाइस कल रात में आते ही ना मैंने ये ओटमील भिगो के बना उनू के रख दी थी, मैंने यूट्यूब पे देखी थी, अब मेरे को लग रहा था ना कि जैसे फैट वैट वगैरह लॉस करूंगा ना तो मेरे को ये फैट लॉस वगैरह ना बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्या क्या खाना पड़ेगा भाई अपनी जान कसम। कल ओट्स मील बनाइए यूट्यूब से देख के बनाइए, एक उसमें पता नहीं क्या क्या डालना था वो डाल दिया मैंने, एक नंबर है। एक बाइट तुम्हारे लिए खा के दिखा देता हूँ फिर आराम से खाऊंगा तसल्ली में। भाई बहुत तगड़ी है माँ कसम। सो गाइस अभी जा रहे विष्णुगढ़ पे, विष्णुगढ़ पे कोई भी नहीं है आ रहा, और वहाँ पे ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब उधर चल के मिलते हैं। आज इतना खुश क्यों लग रहा है तू? खुश नहीं हूँ अभी, तुझे ये याद नहीं क्या आज ले गए? यही तो रुला देती है। अब कल कल मेरा कल बताइए हम क्या कर रहे थे भाई, कल हम ना लैग करने कल हम गए जिम, हमने लैग पूरा डिसाइड कर रहा था, लैग की लैग को एक्टिव कर दिया था हमने, कर लिया हमने हम दोनों ने, और अजय आता है कह रहा चेस्ट करते हैं, पूरा दिमाग घुमा दिया एकदम, कह रहा वो मार रहा स्क्वाड पहले और मार रहा स्क्वाड। तो भाई मुझे लग रहा था हम यहाँ पे वो WWE खेलेंगे, ये तो मनिया सूर्य दिखा रहा है शायद, तो नहीं भाई बैंक लूट लेंगे आज, आपका दिल्ली में राज करने वाला हूँ। इसी को मारूंगा पहले। मार्क एंड्री और इसकी लड़ाई, क्या नाम है इसका, लूचा लूचा। मैं सोच रहा हूँ अपने घर पे चलते हैं, एनटीए मेरे को नहीं पता था, पीछे कर दिखाई मैं देख कैसे मारा, क्या ये वैसे चला रही है क्या यूट्यूब पे चला रही है वो स्मार्ट टीवी ले रहा है, फायर स्टिक लगा रही है, गरीबों को नहीं होता है फायर स्टिक लगा रही है, मेरे तो नहीं है भाई मेरे तो टीवी निकला, अमीर भी तो है, तू अमीर भी तो है, बेकी आया टीवी ठीक कराने के नाम पे पैसा खा गया। अबे तुम कुछ भी मत बोला करो बेफालतू, बेक आया कब बेक आया, लॉकडाउन में बेक आया थी, मम्मी बोला मम्मी ठीक करा के आ रहा हूँ। अब आंटी मोटिवेट हो गए, हम बैंक लूटेंगे, आंटी के तो आंटी के अच्छी तरह लूटना, खाना खा के जाओ बैंक अच्छी तरह लूटना। वो कौन सा क्वेश्चन था, कितने संविधान है पता नहीं भूल गए, मनिया सूर्य ये रहा और ये सारे उसकी गैंग, एक बार उंगली कर दो सारी गैंग। अबे क्या उंगली कर रहा है भाई, उंगली क्या करनी है, 1760 पढ़ लेता भाई, भाई नहीं पढ़ा ना इसलिए तो पास हो गया, 6 साल का रिलेशनशिप स्टेटस भी तो बनाना था। उसके बाद धोखा मिलना था भाई, फिरोज बता रहा, उसने ना अपने टीवी से चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया, क्यों बता अब भाई, बस ऐसे ही सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए थे इस वजह से, नॉर्मल वे में बताएगा इतना लटक झटक मार रहा है। मैं गालियां देता हूँ, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलता हूँ अपने, तो पूरी फैमिली देखे तो मैं कैसा फील होगा, जैसे मैं ये कह रहा जैसे अकेले अकेले फोन में देख ली तो चल जाएगा आपकी गाली दी, अब टीवी पे चल रही है सारे बैठे कर दे भाई, बहुत गाली दे रहे ये तो बंद में क्या कहेगी, अरे मैं कितनी बीप करूँ, 35 मिनट का ब्लॉग रहता है उसको बीप 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 करके 4-5 गाली रह जाती है, कोई बात नहीं तो मैनेज कर लेना, देते हैं तो देते हैं भाई, सब्सक्राइबर ये तो नहीं है ना, झूठ तो नहीं दिखा रहे कि हम अच्छे बच्चे हैं, मतलब अच्छे बच्चे तो हैं पर गाली दे दे थोड़ी। पकड़ लिया सुअर, पकड़ लिया, घर में आया था अब इसको जंगल में छोड़ के आना है। अच्छा उदास साले का।
भाई अपनी डाइट पूरी हो तो जाए मगर ये हराम के खाने वाले आ जाते तो पूरी हो नहीं पाती, इनके लिए अलग से देना पड़ता है, अपने लिए अलग से। तो भाई अभी खा रहे हैं राजमा और थोड़े से चावल। देख सलाद तो भूल ही गए, फैला रखे अभी तुम्हारी ना। अरे ओ इसमें ना ज्यादा झटोड़ो, हाथ मत डालो। अबे एक पीस दे ना। कोई एक पीस नहीं है, एक टमाटर दे दे बहुत, उसमें से काट ले, मेहनत लगती है, काटो और खाओ। नहीं खा रहे भाई। भाई थोड़े से लिए राजमा और चावल। ये तो मैंने डाइट में बताया नहीं तेरे को, राजमा में कार्ब्स है भाई। अबे इस चीज की तेरे को जरूरत नहीं है, वही लेगा क्या? मोटे बंदे कार्ब्स कम खाते हैं, पतले कार्ब्स ज्यादा खाएंगे। मोटे घर का खाना तो खाएंगे जो बनता है, बाहर का नहीं खाऊंगा। बन गई तेरी बॉडी। अबे सही बता, अबे कार्ब्स कम खाते मोटे होते आएगा, घर का खाना तो खाऊंगा, इसे रख लूंगा ही है क्या, पेट के आगे रख लेगा। सो गाइस आज पता चला है कि आज जिम का ऑफ है और अभी थोड़ा सा हमारा मूड भी ऑफ हो रखा है, पता नहीं किस वजह से। विष्णु क्या हो गया? डीप डाउन हो रहा है। अब देखो निकल गए आईटी, अंकिशा को बुलाया, फोन करा है, अब थोड़ी देर में वो आने वाला है। आज थोड़ा ऐसे टहलेंगे, आज कहीं नहीं जा रहे। आज जिम के ऑफ है, लेग डे था, पता नहीं क्या सीन है, मैं बताऊंगा मतलब। और हाँ ऑफ क्या है यार, ऑफ लिया है आज, आज लेग डे था, फिरोज चला गया वहाँ पे, ये रिंग सहरे में नहीं किसी की, अब मैं अकेला लेग कर नहीं पाऊंगा, मेरे को पता नहीं इतनी मतलब एक्सरसाइज वगैरह। तो ठीक है चलो अब मिलते हैं अंकित साहब। उसे कभी मैंने भीड़ में ना देखा, वो रहती किनारों में, वो चमकीली चीजों पे क्या। भाई रात में बंदा देख रहा कैसे निकल रहा है, सारा मूड सही हो जाता है इस बंदे को देख के। देख जैकेट, अबे भाई भाई मतलब क्या आउटफिट है ये, क्या क्लबिंग करने जा रहे हैं हम क्लबिंग करने जा रहे हैं। सिर्फ सलवार पहना है और ये हाईनेक पहनिया आके जब ये। अच्छा भाई कमेंट में बताना ये क्लबिंग वाले कपड़े नहीं है भाई, ये बंदा अनोखा ही बंदा है, रात में निकल रहा है वॉकिंग पे, उसमें भी जैकेट जूकेट जूते पूते ऐसे, चप्पल कोई पसंद नहीं करेगी। ये तो कवरिंग है, ये तो तू दो तीन साल से यही लाइन मारता है कि चप्पल नहीं है, जो मैंने मारी थी उस दिन। वो चप्पल ऐसे बोलती है, ये होती है गरीबी, बाटा की चप्पल पहनता अभी भी 80 वाली, मेरा बीपी वाली है वो 50 वाली, वो जिसमें वो काट निकल रहा था वो भी घिस गई। ओए यार अंकित आज मूड खराब हो रहा है यार, क्या करें, खराब नहीं हो रहा, ऑफ है। 6000 कर लियो। सो गाइस 4-5 दिन बाद अपना फेस्ट है, उसके बाद निकलेंगे। हां बाजी कर रहा था, लड़की खड़ी थी आप ले, तीन लड़कियां खड़ी थी, आवाबाजी कर दी, ऐसा लगना चाहिए ना बड़े बड़े ब्लॉगर है। क्या वेट रबार, अबे टच ही तो करना है विष्णु, करना ना पियो ना पियो। मेरी तो है, वो लैब पे लिखी है, मेरी तो 164 है। तुम तेरी मत बता, तू थोड़ा सबसे बोना है। मेरी 164 है, चुप रहा है। 168 कितनी कितनी आगे है क्या? हां ये रहा 168। ये नाप ये जहां आता है ये क्या पिट्ठा, मैं हां यही नाप रहा हूं, ये जहां आ रहा है। कौन सा पिट्ठा? टांट का पिट्ठा ही तो नापेगा, कितना है? 167 विष्णु नाप ना, नाप जीरो बताना कितना 172 है। मेरे से दो आ गए सोना, तुम सबसे लंबा रहे 175 वो पतला है, और तू आइयो तू आइयो मेरी 165 ये रहा, वो यही रह गया, वो यही रह गया। एक गली रात भाई सीन तगड़ा, पता है क्या हुआ, हम लोग वॉशरूम से निकले, अंकित को लगा इनका वजन ज्यादा ज्यादा वजन नपवा देता हूं, वहां जाके पता चला वजन की मशीन ही नहीं है, हाइट की मशीन है। ये पता क्या होता है, ये कर्म होता है, दूसरों को नीचा दिखाओगे ना तो खुद दिख जाता है। क्या इंसान में कमी होती है, मेरे में कोई कमी नहीं है। बस थोड़ी हाइट ही तो 6 फुट है। क्या पिला दूं? पैसे देके भूल गया था क्या मेरे को? अरे तेरी लात वाट चला रहा है, दो तूने कितनी मारी? कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं मार रहा है? मैं समझा रहा था ना चिराग को। अरे कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहा? तेज कितना चल रहा है? ओए तेरी सुअर गया तुम्हें ना, पर्सनल चीज बताऊंगा नहीं, जो चीज बता देता ना फायदा उठाता है और कुछ नहीं है, तेरे को भी नहीं बताऊंगा अब कोई पता है। पर्सनल चीज तूने मेरे को बताई नहीं, एक मैं हूँ खुली किताब जो हर चीज बता देता हूँ, ठीक है? पर्सनल चीजों का फायदा मत उठाए कर। अब इसको घर जाना है, यहाँ पे तूने फिर लात मारी, अब चौखट पे लगनी थी क्या?
पता चली भाई, इसने पूरा मुद्दा खराब कर दिया। बढ़िया घूम रहे, इसको घर जाना है, घर जाना है। ये देख अब बोल क्या बोल बता किसकी आती है, किसकी आती है तेरे को, किसकी आती है तेरे को, किसकी आती है हैं? मुंह ही बंद हो गया इसका, तू चुप रह, तू चुप रह, तेरी हाइट 5'5" है, तेरे पे तो रख दिया जाएगा, इस पे तो रख दिया जाएगा, ये जो डालूंगा। तूने कितनी जल्दी बोला मीठा, वक्त बनाता कोई बनदा नहीं बैठ जाता, कोट ता दुनिया ही बोल दी।